जय छत्तीसगढ़, जय जोहार संगवारी मन। यूट्यूब में हमार चैनल के वीडियो देखे बर सबले पहले आप अपन मोबाइल के यूट्यूब ऐप समझ आवा। यूट्यूब ऐप सब ओपन करके यूट्यूब ऐप्स के सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाके संगवारी मन नॉलेज विथ CM टाइप कीजिए और ओला टाइप करे के बाद सर्च करो। सर्च करे के बाद सबसे ऊपर में हमार चैनल के वीडियो आप मल मिली, ओला आप मल क्लिक करके हमार यूट्यूब के वीडियो ला आप मन देख सकत हो। वीडियो ला देखे बर आप मन वीडियो ला क्लिक करो और क्लिक करे के बाद जैसे ही आपके सामने वीडियो आई तो संगवारी मन ये लाल रंग के सब्सक्राइब बटन ला दबाए ला झन भुलाहू और सब्सक्राइब करे के बाद एक काला रंग के घटन बटन ला घलो दबा देहू, ताकि हम जब भी नया वीडियो बनाबो तो नोटिफिकेशन आप मन ला सबसे पहली प्राप्त हो सके। जय जवाहर संगवारी मन। और हमार चैनल ला अधिक से अधिक शेयर, कमेंट और लाइक जरूर। दोस्तों, नॉलेज विद CM हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी SLA डाटा एंट्री में एक नया संशोधन किया गया है, जिसमें कक्षा पहली और दूसरी की भी PA1 और FA1 की डाटा एंट्री TeamT ऐप के माध्यम से की जानी है, जिसकी प्रविष्टि सभी टीचरों को TeamT ऐप से करनी है। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की डाटा प्रविष्टि TeamT में किस प्रकार से की जानी है इसकी जानकारी बताई थी। इस वीडियो में मैं कक्षा पहली और कक्षा दूसरी की डाटा प्रविष्टि PA1 पीरियडिक असेसमेंट और FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट किस प्रकार की जानी है इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के TeamT ऐप को अपडेट करना है। यदि आप लोग अपडेट कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करनी है। जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपके होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपकी TeamT की होम स्क्रीन दिखलाई पड़ेगी, जिसमें शिक्षक, स्कूल, विद्यार्थी और सेल ऐप में लिखा होगा, जिसमें आपको स्कूल वाले कॉलम को क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कूल को क्लिक करेंगे आपका होम पेज कुछ इस तरह से दिखलाई देगा, जिसमें विद्यार्थियों का डेटा डाउनलोड करें, विद्यार्थी की हाजिरी, मध्याह्न भोजन की हाजिरी, विद्यार्थी मध्याह्न भोजन की हाजिरी सिंक करें, मूल्यांकन या असेसमेंट से जुड़े डाटा को एंटर करें, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके होम स्क्रीन पर TeamT ऐप से संबंधित जो भी जानकारी है वो सामने आ जाएगी, जिसमें है मास्टर डाटा डाउनलोड करें, पीरियाडिक असेसमेंट एंट्री, फॉर्मेटिव असेसमेंट डाटा एंट्री, असेसमेंट का डाटा अपलोड करें, विद्यार्थी की अनुपस्थिति दर्ज करें, विद्यार्थी की अनुपस्थिति का डाटा अपलोड करें और अंत में रिपोर्ट। यदि आप पहले ही मास्टर डाटा डाउनलोड कर चुके हैं फिर भी आपको पुनः एक बार मास्टर डाटा डाउनलोड करें को क्लिक करना है। मास्टर डाटा डाउनलोड को जैसे ही आप क्लिक करेंगे पुनः आपके सामने मास्टर डाटा डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपका कक्षा 1 और कक्षा 2 की डाटा भी जुड़ चुकी होगी। उसके बाद आपको ठीक है को क्लिक करना है। जैसे ही आप ठीक है को क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पीरियाडिक असेसमेंट डाटा एंट्री पर जाना है। जैसे ही आप पीरियाडिक असेसमेंट डाटा एंट्री पर जाएंगे आपके सामने होम स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें विद्यालय का नाम लिखा होगा, कक्षा में कक्षा का चयन करना है और पेपर में पेपर चयन करना है और विद्यार्थी में विद्यार्थी का आपको चयन करना है। मैं कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की डाटा एंट्री किस प्रकार से की जानी है इसकी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं। तो इसमें मैं कक्षा 1 और कक्षा 2 की डाटा एंट्री किस प्रकार की जानी है इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। कक्षा चयन में आपको कक्षा 1 या 2 कक्षा चयन करना है, मैं कक्षा 1 चयन कर रहा हूं। पेपर में पेपर चयन करें को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने उस कक्षा से संबंधित जितने भी विषय है वो आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। मैं हिंदी विषय चयन कर रहा हूँ। जैसे ही हिंदी विषय चयन करेंगे जस्ट उसके नीचे में लिखा होगा विद्यार्थी चयन करें। जैसे ही आप विद्यार्थी को चयन करेंगे आपके विद्यालय में कक्षा पहली में जितने भी विद्यार्थी टीम में एंट्री की गई थी उनकी जानकारी आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगी। मैं मनमोहन सिंह धनुहार को क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद आपको डाटा एंट्री के माध्यम से को क्लिक करना है। जैसे ही आप डाटा एंट्री के माध्यम को क्लिक करेंगे आपके सामने 1 से लेकर 5 प्रश्न दिखाई पड़ेंगे और उसमें निर्धारित अंक आपके सामने होंगे 0 और 0। कक्षा 1 और कक्षा 2 में कुल 5-5 प्रश्न थे सभी विषय में। अब उसमें आपको बच्चे के प्राप्तांक के अनुसार पर जितने अंक बच्चे ने अर्जित किया है उसके अनुसार पे आपको उस अंक को क्लिक करना है। या तो आप 0 को क्लिक करेंगे या फिर 2 को क्लिक करेंगे।
जो बच्चे अनुपस्थित है उनकी एंट्री आपको इसमें नहीं करनी है, उसकी एंट्री आपको अनुपस्थित वाले कॉलम में करनी है, जिसका इस वीडियो मैंने कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 वाले में दे दिया है। चलिए अटेम्प्ट करते हैं। मनमोहन सिंह धनोहार ने प्रश्न नंबर 1 में 2 अंक प्राप्त किया है, तो मैंने 2 को क्लिक किया। प्रश्न नंबर 2 पर भी उसने 2 अंक प्राप्त किया है, प्रश्न 3 पर भी उसने 2 अंक प्राप्त किया है, प्रश्न 4 पर भी 2 अंक प्राप्त किया है और प्रश्न 5 पर भी उसने 2 अंक प्राप्त किया है। इस प्रकार उसने सभी प्रश्नों में कुल 2-2 अंक प्राप्त किया है, तो मैंने प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 को क्लिक किया। उसके बाद आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे, विद्यार्थी की आईडी और विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा जो जानकारी दर्ज की गई है वह बिल्कुल सही सही है, तो आपको सबमिट करें बटन को क्लिक करना है। और यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी गलत है, तो आपको निरस्त करें बटन को क्लिक करके पुनः उसकी प्रविष्टि उसी प्रक्रिया से करनी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, उस बच्चे की डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी। पुनः वापस चलते हैं। उसके बाद आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट की डाटा एंट्री को क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्मेटिव डाटा की असेसमेंट को क्लिक करेंगे, पुनः आपके सामने इसी प्रकार से स्क्रीन होगी जिसमें ऊपर में लिखा होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट डाटा एंट्री। पुनः आपको कक्षा चयन करना है। मैं कक्षा 1 चयन किया हूँ। फिर आपको पुनः पेपर चयन करना है। मैंने हिंदी विषय चयन किया है। और विद्यार्थी चयन करे में विद्यार्थी की जानकारी आपके सामने दिखनी शुरू हो जाएगी। मैं मनमोहन सिंह धनोहार की एंट्री करने जा रहा हूं डाटा एंट्री के माध्यम से। जैसे ही आप डाटा एंट्री के माध्यम से चयन करेंगे, आपके सामने लर्निंग आउटकम 101 और लर्निंग आउटकम 102 प्रदर्शित होने लगेगी। प्रत्येक लर्निंग आउटकम में 3-3 गतिविधियां प्रश्न में दी गई थी, जिसमें से एक गतिविधि बच्चे से कराई जानी थी, जिस पर कुल 5 अंक निर्धारित थे। तो एक्टिविटी के नीचे में दिया गया है सिलेक्ट एक्टिविटी, उसे आपको क्लिक करनी है। उसको क्लिक करते ही आपके सामने तीनों गतिविधि सामने में प्रदर्शित होने लगेगी, ए बी सी करके। जिस गतिविधि उस बच्चे के लिए आपने करवाई थी, उस गतिविधि को सिलेक्ट करनी है। मैंने इसके लिए गतिविधि 1 कराई थी, तो मैंने गतिविधि 1 सेलेक्ट किया गया और उस गतिविधि का नाम था बोलो बोलो क्या पसंद है। इस प्रकार से प्रश्न भी नीले कलर में सामने प्रदर्शित होने लगेगा। इस गतिविधि में इस बच्चे को कुल 5 अंक प्राप्त हुए हैं, तो मैंने 5 को क्लिक किया। अब आते हैं लर्निंग आउटकम 102। सिलेक्ट एक्टिविटी जैसे क्लिक करेंगे, पुनः 3 गतिविधि प्रश्न सामने आ जाएंगे। इसके लिए मैंने गतिविधि 2 किया था, जिसका प्रश्न का नाम था सुनो समझो फिर बोलो। इसमें इसको 4 अंक प्राप्त हुए हैं, तो मैंने 4 को क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको सबमिट के बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे, पुनः विद्यार्थी की आईडी और उसके द्वारा प्राप्त किया गया प्राप्तांक सामने प्रदर्शित होने लगेगा। यदि जानकारी सही सही है, तो आपको सबमिट को क्लिक करना है, अन्यथा आपको निरस्त करके पुनः उसी सिरे से आपको एंट्री करनी है। जैसे ही आप सबमिट को क्लिक करेंगे, बच्चे की एंट्री सफलतापूर्वक से हो जाएगी। फिर पुनः आपको वापस जाए बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप वापस जाए बटन को क्लिक करेंगे, फिर नीचे में दिया गया है असेसमेंट का डाटा अपलोड करें। ये आपने सभी बच्चों का असेसमेंट डाटा एंट्री कर ली है, तो उसे आपको क्लिक करके उस डाटा को सर्वर में अपलोड करनी है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, तो एक नोटिफिकेशन आएगा कि क्या आप असेसमेंट का डाटा अपलोड करना चाहते हैं। हाँ तो हाँ को क्लिक करना है, और नहीं तो नहीं को क्लिक करना है। हाँ करेंगे तो आपकी डाटा सर्वर पर चली जाएगी। उसके बाद है अनुपस्थित विद्यार्थियों की डाटा एंट्री किस प्रकार की जानी है, इसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, जिसका विवरण मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस प्रकार से आप टीम टी में सरलतापूर्वक कक्षा पहली और कक्षा दूसरी के बच्चों की डाटा एंट्री आराम से कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना ना भूलें।